उत्पत्ति अध्याय छः जलप्रलय का वर्णन। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुए, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, सो उन्होंने जिसको चाहा उनसे ब्याह कर लिया। और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए वे पुत्र शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्यों को, जिसकी मैंने सृष्टि की है, पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वरी के साथ साथ चलता रहा। और नूह से शेम और हाम और येपेत नाम तीन पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपनी अपनी चाल चलन बिगाड़ ली थी। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना, और इस ढंग से उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और इसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना, और जहाज की एक अलंग से एक द्वार बनाना, और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को, जिनमें जीवन की आत्मा है, आकाश के नीचे से नाश करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ। इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के दो दो, अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से दो दो तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे। और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, सो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया।